फोन लाइन पर है। नमस्ते राजेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? अरे मेरे पास हिंडालको का है, 200 शेयर है मुझसे। 200 शेयर है, और आपने 100 रुपए पर खरीदारी की थी इसकी? हाँ मैम, 100 रुपए तक खरीदारी करी थी। ओके, बहुत बड़ा नुकसान आपको हो रहा, 25 रुपए 20 पैसे के नुकसान पर बैठे हुए हैं। मेटल क्षेत्र में हम सभी को दबाव में देख रहा हूँ, हिंडालको भी इसी दबाव से गुजर रहा है। आप चलते हैं अविनाश के पास। अविनाश जी, हिंडालको में आप क्या करने की सलाह देंगे सर, 25 रुपए 20 पैसे के नुकसान पर यहाँ राजेश कुमार बैठे हुए हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रियंका, अगर हम मेटल सेक्टर की बात करें तो कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि हिंडालको को भी ग्लोबली वीक एल्यूमिनियम प्राइसेस का इम्पैक्ट अपनी फाइनेंशियल्स में देखने को मिला है। मेरे ख्याल से इतनी ही राहत है कि अगर हम हिंडालको को की बिजनेस को देखें तो ये सबसे लो कॉस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर ग्लोबली माना जाता है और अभी भी है। तो अगर इनका समय, अगर टाइम विंडो ये जो थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं, अगर साल 1.5 साल का समय अगर दे सकते हैं तो ही होल्ड करें, क्योंकि इन द नियर टर्म कोई बड़ी अच्छी बढ़त स्टॉक में आने के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आने वाला जो क्वार्टर सितंबर का रहेगा और दिसंबर और मार्च का रहेगा, यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और थोड़ी दबाव में आए। तो क्लियरली लॉन्गर टर्म के लिए अगर इनकी पोजीशन ये रख सकते हैं तो ही होल्ड करें, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कोई अच्छी बढ़त आने की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं शेयरों से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए।